अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 2 की एक्सपोनेंट पावर स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 8 की एक्सपोनेंट पावर स्क्वायर रूट एक्स। तो स्टूडेंट, आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। ये देखें, सॉल्व 2 की एक्सपोनेंट पावर स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 8 की एक्सपोनेंट पावर एक्स। तो 2 की स्क्वायर रूट पावर एक्स हम 8 को लिख सकते हैं, 2 की एक्सपोनेंट पावर 3 और होल पावर एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 की एक्सपोनेंट पावर स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 2 की एक्सपोनेंट पावर 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब हम टेकिंग लॉग लेते हैं ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये देखें, ये लॉग 2 स्क्वायर रूट पावर एक्स इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट पावर 3x। तो स्टूडेंट, इसके लॉग लगाना था। ये देखिए, लॉग 2 स्क्वायर रूट पावर एक्स इक्वल टू लॉग 2 एक्सपोनेंट पावर 3x। तो स्टूडेंट, आपको पता है लॉग में अगर किसी की पावर हो तो वो लॉग के शुरू में आ जाती है, लॉग ए। ये देखें स्टूडेंट, ये रूल इन दोनों पर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू लॉग 2 इक्वल टू 3x और मल्टीप्लाई लॉग 2। तो स्टूडेंट, ये देखें, इन दोनों की बेस सेम है और एक जैसे हैं, ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 3x। तो स्टूडेंट, आप दोनों को स्क्वायर करते हैं। ये देखें, x का स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल टू 3x का स्केयर करते हैं। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आ जाएगा, एक्स इक्वल टू, तो यहाँ आपको पता है सेपरेट सेपरेट स्केयर करेंगे, यानी 3 का स्केयर सेपरेट और एक्स का स्केयर सेपरेट। क्लियर होगा स्टूडेंट? 3 का स्केयर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और एक्स का स्केयर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इनको रीराइट करते हैं तो 9 एक्स स्केयर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इनमें से एक्स को कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 9x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं, 9x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट वैल्यू x की 0 है, सेकंड वैल्यू देख ले, ये माइनस 1 है, उधर जाके प्लस 1 आ जाएगा और x इक्वल ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 आवर 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब इनको प्रूव्ड करते हैं, वो देख लें। तो स्टूडेंट, इक्वेशन बिकम्स तो स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन क्या थी वो देख लें, यानी 2 की एक्सपोनेंट पावर स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 8 की एक्सपोनेंट पावर स्क्वायर रूट एक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पुट 0 करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 0 और 8 एक्सपोनेंट पावर 0। आपको पता है ई की एक्सपोनेंट पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, तो 2 की एक्सपोनेंट पावर स्क्वायर रूट 0 और 8 की एक्सपोनेंट पावर 0, तो दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 इक्वल टू 1। अब सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 1 आवर 9। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इस इक्वेशन में 1 आवर 9 पुट करते हैं, ये 2 और स्क्वायर रूट एक्स की जगह 1 आवर 9 इक्वल टू 8 एक्सपोनेंट पावर 1 आवर 9। तो स्टूडेंट, आपको पता है ये 1 आवर 3 का स्क्वायर और होल पावर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1 आवर 3 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये 2 की एक्सपोनेंट पावर 3 आ जाएगी इक्वल टू, ये देखिए ये 8 है, इसको 2 की 3 और एक्सपोनेंट पावर 1 आवर 9 लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 की एक्सपोनेंट पावर 1 आवर 3, 2 मल्टीप्लाई 1 आवर 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो 2 की एक्सपोनेंट पावर 1 आवर 3 इक्वल टू 2 की एक्सपोनेंट पावर 1 आवर 3। तो स्टूडेंट, ये आपके पास प्रूव्ड हो गया, प्रूव दिस इज रिक्वायर्ड। तो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ शेयर दैम विद
फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।